आज शासन सचिवालय में जस्टिस जी आर मूलचंदानी ने मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया से बातचीत में मानव अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण को प्राथमिकता देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याओं और मानव अधिकारों से संबंधित बिंदुओं पर विधायी परिप्रेक्ष्य में स्थायी और प्रभावी रूप से संबोधित किया जाएगा। जस्टिस मूलचंदानी ने वर्तमान समय में पब्लिक लाइफ में मूल्यों की कमी पर चिंता जताई और कहा कि लोग अधिकारों का अतिक्रमण कर रहे हैं और विधायी प्रावधानों का पालन न करके उनका उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मानव अधिकारों का क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है और उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए और लोगों में जागरूकता लाने के लिए आयोग प्रभावी कार्रवाई करेगा। जहां भी मानव अधिकारों के उल्लंघन की शिकायत आएगी वहां अनुसंधान किया जाएगा। जस्टिस मूलचंदानी ने कहा कि वे स्वयं इन शिकायतों को देखेंगे, विशेषकर कस्टोडियल परेशानियों के मामले में। अगर पुलिस द्वारा किसी प्रकार का मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है तो यह आयोग के संज्ञान में आता है तो इस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। पेंडिंग मामलों की जांच कराई जाएगी और सभी के सहयोग से उन्हें जल्द से जल्द विधि सम्मत रूप से निपटाया जाएगा। जस्टिस मूलचंदानी ने विश्वास व्यक्त किया कि इन प्रयासों से मानव अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण में महत्वपूर्ण प्रगति होगी। इस प्रकार मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में जस्टिस जी आर मूलचंदानी ने अपने संकल्प और कार्य योजनाओं को स्पष्ट करते हुए मानव अधिकारों की सुरक्षा और जनमानस की समस्याओं को प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया। भाग 3 में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो है वो प्रादुर्भाव हुआ है और ह्यूमन राइट्स से संबंधित जो अधिकार हैं वो लोगों के संरक्षण और मानव अधिकारों के प्रिजर्वेशन के लिए जो है वो एक मैग्ना कार्टा है। मैं आज यहाँ ज्वाइन कर रहा हूँ एज ए चेयरमैन और मेरी प्राथमिकताएं ये रहेंगी कि ह्यूमन राइट्स से संबंधित जो भी बिंदु हैं, जो समस्याएं हैं, जो जनमानस की जो है वो परेशानियां हैं, उनको हम विधायी परिपेक्ष में स्थायी रूप से प्रभावी रूप से एड्रेस करेंगे। और आज के परिपेक्ष में जहां पब्लिक लाइफ में वैल्यूज बहुत ह्रास हो गई हैं, लोग अधिकारों का अतिक्रमण कर रहे हैं, अपने कार्य क्षेत्र में जो है वो विधायी प्राविधानों का पालन ना करके उनका उल्लंघन कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि आज के परव्यू में हमारे ह्यूमन राइट्स का जो क्षेत्र है बहुत व्यापक हो गया है। तो इन सब बिंदुओं को हम अपने स्तर से देखेंगे और ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए अपने क्षेत्र में प्रभावी कार्रवाई करेंगे। जहां भी शिकायतें आएंगी, जहां भी परिवाद है, वहां हम उसको जो है देखेंगे, उनका अनुसंधान कराएंगे, उस पर कार्रवाई करवाएंगे और मैं खुद भी देखूंगा उनको। कस्टोडियल अगर कोई भी परेशानी है हमारे जो है वो नागरिकों को होती है तो उसमें विधायी प्राविधान है। अगर मानव अधिकारों का उल्लंघन पुलिस के द्वारा भी कहीं होता है और हमारे जो है वो संज्ञान में आता है तो उस पर हम लोग जो है वो पूरा संज्ञान लेंगे और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी देखेंगे, उसको करेंगे।